प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो पहला जो सवाल है वो इस प्रकार से, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं एक तो बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर बी सी होगी और बी सी बराबर बी ए होगी। इसके आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं, कोण ए बराबर कोण सी बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण डी बराबर होगा। ये तो थी इसकी बेसिक बातें। अब आते हैं पहले सवाल पर, एडी बराबर, ये एडी, एडी बराबर क्या होगा? तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे बी सी, क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, किसी भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अर्थात सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। फिर कौन दूसरा है, कौन डी सी बी, कौन डी सी बी बराबर कौन डी ए बी, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए, क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तीसरा है ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी ओ सी ये वाला, ये वाली भुजा विकर्ण का आधा है और ओ ए ये आधा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं इसलिए दोनों बराबर होंगे। चौथा है डी ए बी, डी ए बी प्लस डी सी बी, अर्थात कोण ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि तिर्यक समांतर चतुर्भुज के जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखाएं ये दो, ये दोनों समांतर रेखाएं और डी ए इसको प्रतिच्छेद करिए तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा सवाल है, समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण एक्स वाई जेड के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर एक कोण बी दिया हुआ है 100 डिग्री, जेड वाई और एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे जो मान दिया उससे हम शुरुआत करते हैं, 100 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आसन संपूरक कोण, अर्थात समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 180 डिग्री में से 100 डिग्री को घटा देंगे तो 80 डिग्री इस एक्स का मान आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर x का मान आ चुका है, अब y का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एक योग अंतर और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस y बराबर 180 डिग्री, x का मान आ गया 80 डिग्री, y का मान निकालेंगे तो पक्षांतरण करेंगे 180 डिग्री में से 80 डिग्री को घटा देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। अब इस y का मान भी हमें ज्ञात हो चुका है, अब z का मान हमें ज्ञात करना है। तो y प्लस z बराबर 180 डिग्री, y का मान 100 डिग्री आया है, z बराबर 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटा देंगे, 80 डिग्री इसका मान आ जाएगा।